अगर मैं भाई साहब का सपना पूरा ना कर सका तो किसी को करने भी ना दूंगा। अरे जब हाथी बाजार ही ना रहेगा तो क्या उखाड़ लेंगे भाई साहब, और क्या ही कर लेगा धर्मपाल और उसकी छोरियां। आज सारे का सारा हाथी बाजार जला के राख कर दूंगा, और इसकी शुरुआत होगी काटेलाल एंड सन्स से। I will be the first customer tomorrow morning. Yes. और क्या? नहीं तो दूसरे सैलून वालों के भी कमेंट आ रहे हैं। मर्दाना सैलून में जनानियों के बाल काट रहे हो, गलत पंगा ना लो, बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। ना अभी से हमारे सक्सेस से इतना डर रहे हैं लोग, मुझे तो यहाँ तक जलने की बुआरी है। जलने की नहीं, जिसे जलाते हैं ना मिट्टी का तेल, उसकी बुआ रही है क्या? ये तो मिट्टी का तेल ही है, पर ये यहां कौन सी गंगा बह रही है? वाले दिन मैंने कही थी धर्मपाल, लेकिन करने में थोड़ी देर हो गई।
योले स्वाहा क्या कर दिया इस वक्त अच्छा है ये दोनों भी इस आग में स्वाह हो जाएं सपने को आग लगा रहा था ये आज तू बीच में आएगी एज यू विश बहन देखो मैं छोरियों पे हाथ नहीं उठाता देख गरिमा मुझे गुस्सा मत दिला कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से कुछ उल्टा सीधा हो जाए ना हाथ तो मैं किसी पे ना उठाती पर आज तूने सारी सीमाएं तोड़ दी अब तू नहीं बचेगा जगत
अपने को जलाएगा, मैं चैलेंज करती हूँ, जला के दिखाऊंगा। गलती हो गई और तुम दोनों बहनों को भी इसी आग में जला के राख कर देना चाहिए था। मामला ये कुन्नु सत्तू कोई और ना है, करीमा सुसी नहीं है। इंस्पेक्टर अग्नि रजावत रिपोर्टिंग मैडम, बट एज एन ऑडियंस ओनली। आपको देख के लग रहा है कि आपका पुराना हिसाब किताब है इससे, तो चलो फिर शुरू हो जाओ, हिसाब किताब कर लो अपना पूरा चुपता, और जब अकाउंट क्लोज हो जाए तो बता देना, देन आई विल टेक ओवर। नारी सब पे भारी, और जब कोई नारी पे भारी पड़ने की कोशिश करता है ना, तो इंस्पेक्टर अग्नि उस पे भारी पड़ जाता है। ले बे, ताल इसको जीत में, ताल पीछे। चलो जी खेल खत्म, पैसा आ जाओ। मैडम जी आप ही बैठ जाओ जीप में। मैं क्यों बैठूं? मैं तो बस अपने पापा की दुकान बचा रही थी इस राक्षस से। देखो मैडम, रात बहुत हो रही है और कुछ खाया भी तो ना है मैंने डिनर में, तो आपकी वो जो बाकी की कहानी है ना, ये स्टेशन में जाके सुनेंगे, नहीं तो मैं FIR में क्या लिखूंगा? ये चोटे इसको कैसे लगी, ना खुद का सर दे मारा इसने बोनेट पे या सड़क पे या उस खम्बे पे, ना सुताई तो की ना आपने जी भर के, तो FIR से क्यों डर रहे हो? चलो मैं ऐसे कैसे ले जा सकती हूँ मेरी बहन को। मंगेराम बिठा इसको भी जीप में, हाथ भी मत लगाना हवलदार। ना पहले तो यहाँ कोई लेडी कांस्टेबल ना है, तो ऐसे कैसे छोरियों को ले जा सकते हो आप? ओ हेलो, किस बात पे फूली जा रही हो? ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लिया है?
देखो मैडम जी, लेडीज कांस्टेबल को फोन करके बुलाएंगे तो एक घंटा यहीं पे खड़ा होना पड़ेगा। अपना आई कार्ड दिखाओ। ना गुंडागर्दी कर रहे हो आप? ना तो यो रख ले, ओरिजिनल रख ले, रख ले। इब थाने में जाके अपना फोन वापस ले लेना और मेरा आई कार्ड मेरे को दे देना। संतुष्ट हो अब? देखो मैडम जी, आप बताओ अब क्या करना है। यहाँ पे खड़े खड़े एक घंटा वेट करना है या फिर थाने की गर्मा गर्म चाय पीनी है? चॉइस आपकी है। के? हाथी बाजार में आग लगी? आग कैसे लग गया अवतार? आग लागी नहीं है धर्मपाल, लगाई गई है। यो तू कैसे कह सकता है? बस तू यो समझ ले कि जितना मिट्टी का तेल हाथी बाजार की दुकानों के बाहर गिरा हुआ ना, यो तो कोई चमत्कार ही है कि सारा कुछ जल के राख ना होया। अरे तू रुक, टैक्सी बुला दे, मैं अभी आ रहा हूँ अवतार। अरे धर्मपाल मेरी बात सुन, इभी आन का कोई फायदा नहीं है। इभी सारी आग बुझ चुकी है और पुलिस ने सारे इलाके को सील कर रखा है। ठीक तो जो भी होगा सवेरे ही होगा। तू शांति से सो जाइब। अरे मेरी दुकान जल गई, मैं घर में सो कैसे सकता हूँ? जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं मेरे सांस भी नहीं आएगी। नींद तो दूर की बात है। सिसु चल, ले चल मेरे, ले चल भाई साहब। आपने ना कई दुश्मन बना रखे हैं। बाजार वाले ना खुश ना थे आपसे। मैंने ना दिखाई दे रहा था कि कोई अनहोनी तो होने वाली है ना। जब तने दिखाई दे रहा था कोई अनहोनी होनी है तो बताना सकती थी, या इतने धीरे बोली कि किसी को सुनाई ना दिया। लो आप भी मुझे ही बोलो, फैसला लिया भाई साहब ने और कोई इनके साथ सहमत नहीं था, तो आपको किसी साजिश की बूनी है या आपकी नाक भी बंद थी? क्यों भाई साहब, मैं सही नहीं कह रही? बस कर चंचल, बस कर। माता रानी का अनादर हुआ था मुझसे, इसीलिए ये सब हो रहा है। भाई साहब, माता रानी आपसे नाराज क्यों होगी? आपने तो एंट्री दी उनको दुकान में, उनकी कृपा से आग बुझ गई और ज्यादा नुकसान ना हुआ। शिशु बिल्कुल ठीक कह रहा है, माता रानी आपसे नाराज ना है। और जैसे अवतार भाई साहब ने कहा, नहीं तो दुकान पूरी जल जाती, पछती ना। माता रानी साथ है ना? सुन, कुछ ना होगा ना? कुछ ना होगा। सिसु ले गया इसको। मांगेराम रिपोर्ट लिखो इसकी। तुम दोनों का राज तो मैं खोलूंगा, याद रखना। अरे फड़फड़ाना ज्यादा, कोई फायदा ना है, नहीं तो फालतू में पिट पिटा जाएगा फिर से। रोहतक में नया आया इंस्पेक्टर, इसलिए कंगन पहना के दांत फाड़ रहा है। जानता नहीं है तू जगत सेठ पीएचडी को? खून के यहां सुरोएगा तू। अले अले अले, खून के आंसू। कहाँ से ढूंढ के लाते हो ऐसे टुच्चे मुहावरे? हैं? फोकस, लेके जा यार इसको, लेके जा लॉकअप बेटा। वरना खून के आंसू तो पता नहीं, हंसते हंसते मेरे आंसू आ जाएंगे। मिस्टर पीएचडी, पीएचडी करना ना जरूरी ना है, सोचना थोड़ा जरूरी है। तो अगली बार सोच के ना कम से कम एक अच्छा मुहावरा ही ले आओ यार। खून? अरे लेके जा यार। ले रहा, ले रहा, लेके जाओ जल्दी, रिपोर्ट बाद में लिखेंगे। तुम दोनों की लगाम मेरे हाथों में, याद रखना। खून के आंसू, यो क्या? ओहो, डिनर का बिगुल बज गया। मांगेराम खाना लगाओ जल्दी भाई, ये बाकी का काम खाना खाने के बाद करेंगे ना। तब तक हम बैठे रहेंगे। पूरी कहानी तो पता है आपको, सब कुछ बता दिया है, तो जल्दी से रिपोर्ट लिख के हमें फ्री कर दीजिए ना। ना आपके खातिर मैं खाना ना खाऊं? आज आपने मार कुटाई कर दी, कल कोई कत्ल कर देगा, परसों चोरी कर लेगा, हमारा तो टाइम टेबल बिगड़ जाएगा ना मैडम। सॉरी, पहले खाना बाद में गाना। ना आप कुछ भूल रहे हो इंस्पेक्टर, आप एक पब्लिक सर्वेंट हो, तो पब्लिक की सेवा करना आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है। Thank you.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.